जनधन खाता धारकों के लिए आवश्यक सूचना नहीं किया 31 मार्च से पहले ये काम तो होगा नुकसान। यदि आपका जनधन खाता है तो आपको 31 मार्च तक अपना अकाउंट आधार से लिंक कराना होगा, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान। इस मामले में सरकार ने बैंकों को निर्देश भी जारी किए हैं। अगर आपने 31 मार्च तक अपना खाता आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको कई सारी जनधन की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। पैन नंबर पर भी लिंक कराना जरूरी। सरकार ने बैंकों से 31 मार्च 2021 तक सभी खाता धारकों के खाते को आधार से लिंक कराने को कहा है। इतना ही नहीं, जिन मामलों में पैन जरूरी है वहां आधार के साथ साथ पैन का लिंक होना भी जरूरी है। यदि आप जनधन खाता धारक हैं और चाहते हैं कि सरकारी सुविधाएं जो जनधन खाते में मिलती हैं वो मिलती रहें, तो इसके लिए बिना समय बर्बाद किए आप फटाफट अपना खाता आधार और पैन नंबर से लिंक करा लें। यदि आपने लिंक नहीं कराया तो क्या क्या नुकसान हो सकता है ये जानें। जनधन खाता धारकों को सरकार 2,30,000 रूपए इंश्योरेंस देती है, साथ में 2,00,000 रूपए का एक्सीडेंट कवर और 30,000 रूपए का बीमा कवर होता है, जो खाता धारक की मृत्यु होने पर ये पैसा नॉमिनी को मिलता है। यदि आपने समय से पहले यानी 31 मार्च तक अपने खातों को आधार से लिंक नहीं कराया और पैन नंबर से भी लिंक नहीं कराया तो आप इन सभी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। घर बैठे या ATM मशीन से भी कर सकते हैं अपने खाते को आधार से लिंक। यदि आप बैंक न जाकर अपना समय बचाना चाहते हैं तो घर बैठे भी आप नेट बैंकिंग के माध्यम से आधार लिंक करा सकते हैं। यहाँ देखें कैसे कर सकते हैं लिंक। सबसे पहले नेट बैंकिंग लॉगिन करें और फिर आधार नंबर को लिंक करने के ऑप्शन पर जाएं। इसके अलावा आप बैंक SMS के जरिए भी जनधन खाते और आधार को लिंक कराने की सुविधा दे रहे हैं। ATM से भी करा सकते हैं आधार को लिंक अपने खाते से। अपने ATM कार्ड और आधार नंबर के साथ करीबी ATM पर जाएं, अपना कार्ड स्वाइप करें और फिर पिन नंबर डालें। स्क्रीन पर प्रदर्शित विकल्पों में से सेवा चुनें, लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। अगला चरण अपना आधार नंबर दर्ज करना है और गलती से बचने के लिए उसी को फिर से दर्ज कराना होगा। लिंकिंग को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। जनधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं आधार को लिंक। जनधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अपने अकाउंट में एंटर करने के लिए अपनी यूजर ID और पासवर्ड दर्ज करें। मेन पेज पर आप बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक विकल्प खोज सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां से आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। नए पेज पर पहुंचकर यहां अपना आधार नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। उस बैंक का चयन करें जिसे आप आधार नंबर से लिंक करना चाहते हैं और सबमिट बटन दबाएं। ऐसा करने पर आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इन चरणों को पूरा करने के बाद आपके आधार को जनधन खाते से लिंक करने का प्रोसेस शुरू होगा और प्रोसेस पूरे होने में 4-5 कार्य दिवस लगेंगे। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।